बरसर करके आया सारा। नहीं पकड़ना है सर, पीछे को पकड़ेंगे तो पीछे वाले को। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा है 17वां दिन और आज हम जाएंगे आइस क्राफ्ट में। एवरीडे हम जा रहे थे, अभी 3 दिन से कंटिन्यू स्नो क्राफ्ट में जो सामने दिख रहा है। और आज हम जाएंगे यहाँ से बैक साइड में, आइस क्राफ्ट है ब्यासकुंड ग्लेशियर है इसके बैक साइड में, तो वहाँ पे जाएंगे हम आज। इस साइड रखने बनने वाली। आज बना है ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी और रोटी बटर। काफी हाइट में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से फ्रेंडशिप पीक भी दिख रही है। ये देख सकते हैं आप, ये वाली फ्रेंडशिप पीक है। लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और नीचे बकर ताज भी दिख रहा होगा। तो इतने लगभग 1000 फीट पे हम ऊपर को गेन कर चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर क्यों जाना, धुंधी का चक्कर। शाम को 25 मिनट, 8:05 पे निकला था, 8:30 पे पहुंच जाओ इधर। तो अभी हमने यहाँ से डाउन को जाना है और रवासीज में जाना है। ये हमारे आगे कुछ लोग चल रहे हैं, अभी बहुत से लोग पीछे हैं अभी। तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने बोला धीरे धीरे चलते रहो, नहीं तो बॉडी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ठंडी होने से पसीना जो हमारा हवा के साथ कॉन्टेक्ट में आके हम बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए बॉडी को गर्म रखना ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, और ये देखिए पीछे स्नो क्राफ्ट में चल रहे हैं। और आगे जाके हमें वो सामने दिख रहा है ब्यासकुंड ग्लेशियर, पर यहाँ ही आसपास में और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं। देखते आगे जाके स्नो क्राफ्ट के यहाँ बहुत से पैचेस बने हुए हैं। यहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं और ये सारा पूरा पैच, इसके अंदर ग्लेशियर्स दबे हुए हैं, तो यहीं पे हमारी प्रैक्टिस होगी। तो आइस क्राफ्ट यही है इसी पैच में, और यहाँ पे हम शूज़ वगैरह उतारेंगे अपने भी, और क्रैम्पॉन्स बूट्स लगाएंगे यहाँ पे, तो रेडी हो जाते हैं। ये हमारा बी एम सी का ग्रुप पहुँच चुका है पूरा। बिंदु जी कुछ लोग पीछे रह गए हैं, वो देख सकते हैं आप आ रहे हैं पीछे से। और मौसम भी बहुत अच्छा है। हमारे इंस्ट्रक्टर्स रेडी हो रहे हैं और ये जो पीछे रह गए थे वो लेकर रहे हैं, और ये तैयार हो रहे हैं यहाँ पे हमारे जो भी लोग पहुँच चुके हैं नीचे से। और हम शायद यहाँ एक बस खुला हुआ है तो वहाँ पे जाएंगे शायद, देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या होता है, इंस्ट्रक्टर ही बताएंगे हमें। और हमारे साथ एक डॉग भी आया हुआ है, देख सकते आप। मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, बूट क्रैम्पॉन ग्रेटर और पूरे इंतज़ाम के साथ, देख सकते आप। Hi, Iskandar bhai. Hey bro. Maximum log pahunch chuke hain, thode se wahan pe ready ho rahe hain, to unka wait kar rahe hain. अंदर गर्म लगता है सर। फ्रेंच टेक्निक है, फ्रेंच लोग इसको सबसे पहले करते थे, फ्रेंच ठीक है, फ्रांस का लोग।
उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बट फ्लैट फुटिंग इज डिफिकल्ट देन फ्रंट पॉइंटिंग, वो पता चल जाएगा इधर, वो मुश्किल होता है, देखने को इजी लगता है फ्लैट फुट वहां पे जाना है। क्लियर? यस सर। सो वी आर गिविंग डेमोंस्ट्रेशन इन द स्नो बिकॉज़ वी हैव नॉट ग्रेडिएंट ऑफ फ्लैट फुटिंग राइट नाउ। फ्रंट पॉइंट वी विल डू द यहां पे करेंगे फ्रंट पॉइंटिंग। फ्लैट फुटिंग में सबसे पहले आता है जैसे ऐसा या प्ले, वहां से आप लोग क्रैम्पॉन पहन के आगे सीधा उधर जाना है मार्चिंग, जैसा बताया था ना आपको, सीधा ऐसा ट्राइसेप्स फोर्स की पकड़ दिया, ये कौन सा एक्शन है? अभी यहाँ पे जब आइस होगा तो इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, ऐसा सेल्फ बिले ग्रास, ठीक है, वैसा मारना मुश्किल होता है उसमें, इसको आइस में ऐसा करके जाना पड़ता है। अदरवाइज इफ यू आर डूइंग फ्लैट यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा इसको ऐसा रख सकते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज देर इज स्नो। अदरवाइज फैशन इज होल्डिंग ऑफ द एक्शन इज इन द आइस प्रेशर सेल्फ बिले ग्रास। क्लियर? मार्चिंग में सीधा ऐसा जाते हैं आगे को, सीधा जाना है भाई आपको, सीधा जाना है। बट क्रैम्पॉनिंग में एक चीज का सबसे जरूरी ध्यान रखना है, यू आर वेयरिंग क्रैम्पॉन्स। क्लियर? ऐसा चला गया यहाँ पे फाड़ दिया सीधा, कपड़ा भी फटेगा, फ्रंट फॉल होगा, गिर जाएगा क्रैम्पॉन्स में, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है। वॉलीबॉल खेलता है सब लोग? यस सर। वॉलीबॉल यहाँ डाला है, ठीक है, इतना खुला रखना है कहने के मतलब, नहीं तो जैसा देखा मेरा पैंट देखा है, ये क्रैम्पॉन से फट गया, गेटर फाड़ेगा तो उसका कीमत है 1000 रुपये नहीं, ज्यादा है वो देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वाइड रखना है। दिस इज फॉर योर सेफ्टी, नॉट फॉर द गेटर्स, सेफ्टी ज्यादा जरूरी नहीं, गेटर का तो दे देंगे, अगर आप गिर गया मुश्किल है कहने के मतलब। व्हेन यू आर डूइंग क्रैम्पॉनिंग थोड़ा स्टांस थोड़ा वाइड रखना है, गैप रखना है, मुश्किल नहीं है, ये पीछे को नहीं पकड़ना है ऐसा, पीछे को पकड़ेंगे तो पीछे वाले को हिट कर सकते हैं आप। क्लियर? यस सर। ये मेरा स्टेप बार बार इधर जा रहा है, एक्स कैसे पकड़ा है आपका टेस्ट आज ही है सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है ना? यस सर। लास्ट लास्ट में पता लगता है 33 नंबर पे नहीं हुए, ठीक है, अब 20 नंबर में है। जल्दी सा पोजीशन है ये ग्लिसेड पोजीशन, ग्लिसेड पोजीशन है, क्रॉस बॉडी पोजीशन, बॉडी को क्रॉस किया सर, ठीक है। इसमें आपसे पहले देखो अपना सपोर्ट ले रखा हुआ फिर चल रहे हैं सर, क्या है सपोर्ट पोजीशन, सपोर्ट ऐसा, ये कई लोग ऐसा करेंगे एयर में रखेंगे, इसको एयर में रखेंगे, आइस का ये जो टीथ है इसको ग्रिप नहीं करेगा, इफ यू आर हिटिंग दिस एयर, इसको आप नीचे रखोगे पॉइंट को, क्या होगा, ये दांत इसमें फंस जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, 1 2 इसको दोबारा 1 2 3 एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर सिंगल एक्स है तो आप हाथ का सहारा ले सकते हैं, क्लियर, अगर डबल टू तो डबल टू से भी आप ऐसा लोट अगर मैं करता हूँ ऐसा, डबल ट्रैक्शन में इस तरह दोनों को मारना है, इस तरह पहले एक फिर दूसरा फिर ऊपर, जैसे मैंने ऐसे जा रहा था, मैं यहाँ फंस रहा था, कोई पत्थर आ गया, एवलांच आ गया, एवलांच आ गया तो ऐसा दौड़ना है थोड़ा पांव खुला करके, अगर ऐसा दौड़ोगे जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ फंसेगा क्रैम्पॉन, वहीं गिर जाएगा, एक तो लगेगी दूसरा उसको ट्रैप कर देगा वो। क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी अभी हमारे को जो एनडी सर ने बताया तो अब हम हमारे इंस्ट्रक्टर हमारे को बता रहे हैं अच्छे से कि कैसे कैसे हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे और खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे करके सीख रहे हैं हम यहाँ पे, और सभी लोग बारी बारी करके चढ़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले गया था, मेरी रोप नंबर 2 है ये वाली, और ऊपर इसमें चढ़ रहे हैं लोग, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी जो भी एक्टिविटी बताई गई हमें वो सारी एक्टिविटी हम करेंगे बारी बारी से, लो देखते हैं क्या होता है, तब तक मैं थोड़ी देर परे जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ ताकि बॉडी गर्म रहे। यहाँ पे एक हिडन लेक भी बन चुकी है ग्लेशियर से, ग्लेशियर का पानी इकट्ठा हो गया है, ये देख सकते हैं आप, और सामने हनुमान टिब्बा और टेंटू पास, और ये हमारे यहाँ पे ग्लेशियर व्यास कुंड ग्लेशियर में प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिप है। 3, 2, 1, go!
आज का जो हमारा जो भी हमारे को सिखाया गया हमने प्रैक्टिस की और अब सारे अपने इक्विपमेंट खोल के बैग में डाल के और यहाँ वापसी की तैयारी हो रही है बेस कैंप की तरफ जाने के लिए और लंच करने का टाइम भी होने वाला थोड़ी देर। और ये मैं और हम फाइनली लंच करने पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने का व्यू और ये वाटरमेलन दो रोटी और सब्जी और मेरी फेवरेट दाल राजमा चावल मज़ा आने वाला है। सो क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो मज़ा आएगा ही खाना। कितने बजे चाय होती है? ब्रेकफास्ट और उसके बाद 8 बजे से 8:30 स्लो वॉकर वूकर कुछ नहीं है। आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। यस सर यस सर यस सर फर्स्ट टाइम अभी तक के मेरे इसे इतना एक्सपीरियंस मैं आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि आधे से ज्यादा कोर्स पे दो बकर तक नहीं जाए। एक तो होते हैं सर डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका है डिनर क्यों भाइयों। यस सर ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों पे खाना टाइमली मिल जाए ना खाने का मजा अलग हो जाता है। यहाँ के पानी में स्वाद है भाई जी कॉकटेल हो रहा है पूरा ही राजमा थोड़ा आपको गलत लगता होगा भाई जी ना कि सिंपल सी डिशे दे रहे हैं थोड़ा सा पर भूख से आपको सारा अच्छा लगता होगा बाकी थोड़ा थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले लाइफ इन माउंटेन को। थैंक यू।